आशाओं को करीब 5 महीने से मानदेय तक नहीं मिला है, जिसको लेकर आशा संघ भड़क गया है। संघ की जिला अध्यक्ष रामश्री गंगवार ने जिला अस्पताल पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की और आरोप लगाया कि आशा बहनों का शोषण हो रहा है। इस आर्थिक संकट और महंगाई के दौर में उन्हें घर चलाना भी अब मुश्किल हो गया है। इस सिलसिले में रामश्री गंगवार ने CMO बरेली को ज्ञापन भी दिया है, साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे नहीं मांगनी तो जबरदस्त आंदोलन होगा। सुनिए रामश्री गंगवार को। जिला बरेली, मेरी मांग ये है कि सर जी, हमारे लिए, हम आशा बहनें व संगनी बहनें बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं, 5 महीने से हमारी बहनों का कोई वेतन ना मिला है और मन से कार्य करते हैं। इन्होंने काम हमें इतना दे दिया है कि ऐसा काम डॉक्टर MBBS नहीं करते हैं, और सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी काम कराते हैं। जब भी कोई काम हो तो तुरंत आशा बहनों को सूचना देते हैं। पहले संगनी बहनों के पास जाती है, फिर आशा बहनों के पास जाती है, फिर आशा बहनें कार्य करती हैं। इसके बावजूद कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अरे 5 महीने से तो कोई पैसा नहीं मिला है। जब भी इनसे कहो तो कहते हैं हमारे यहाँ बजट नहीं आया। बजट क्यों नहीं आया है, किस लिए नहीं आया है? हमको बजट चाहिए। आशा बहनों का प्रतिपाल चलता है, इसी खाना पीना चूल्हा इसी से जलता है। आशा बहनें बड़ी मेहनत और लगन से कार्य करती हैं। अगर इन्होंने हमारा पैसा ना भेजा इसी महीने तक, तो ऐसा समझ लेना कि हम धरना प्रदर्शन बहुत जम के हो रहा है यहाँ पर। इसलिए सभी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस गर्मी में, इस जगह जगह पर कार्य करती हैं। हमें बहुत दुखन होती है, दुखद होती है। ये सरकार को पता नहीं है, आशाओं से काम लिया जाएगा तो इन्हें पैसे भी मिलना चाहिए। इसको हम देंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला बरेली।